बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम एक बहुत ही आसान झटपट रेसिपी तैयार होने वाली जो है वो लेकर आए हैं, और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी और जल्दी भी बनेगी। यानी कि इसका नाम जो है वो मेथी राइस है। तो इन्ग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं और झटपट देखते हैं ये किस तरह तैयार होगी। अच्छा, इन्ग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। एक कप मैंने चावल उबाल के रखे हुए हैं, ये बॉयल चावल हैं, ये देखें तैयार चावल हैं। और अगर आपके पास बॉयल चावल नहीं है, आप रात के जो बचे हुए चावल हैं उनकी भी ये रेसिपी बना सकते हैं। 2 खाने के चम्मच ऑयल, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून मेथी, सूखी मेथी, और ये हमने घर की मेथी है, धो के सुखाई हुई है। अगर आपने बाज़ार की लेनी, उसमें बहुत मिट्टी होती है, उसको धो के यूज़ कीजिएगा। 1 टीस्पून जीरा और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने थोड़ा ही लिया है। 1 लीमू और 3 मैंने हरी मिर्च ली, 1 को मैंने बारीक काट लिया, 2 को ऐसे रहने दिया, और 1 छोटा सा टमाटर था उसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ज़ीरा डाला, इसको थोड़ा सा कड़कड़ाते तकरीबन 2 खाने के चम्मच पानी, हल्दी और मेथी मैंने डाल दिया, नमक। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको तकरीबन 1 मिनट हम इसको मिक्स करते हैं। इसमें हमने नींबू डाल लेना है, एक अदद नींबू, ना बीज वाला नहीं सी, फिर कितों नजर आ गया मनु नजर ही नहीं सुना रहे, बीज है ही नहीं, देना बीज है ही नहीं है, ये थले करके बड़े होंगे। चले देखे, हमने नींबू निचोड़ लिया और सिर्फ इसकी मिक्सिंग है क्योंकि चावल बॉईल है। इस टाइम पर हमने टमाटर डाल देने हैं। अब हम उतारने लगे हैं ना चावल, तो टमाटर पहले नहीं डालने, टमाटर अब डाल के अब हमने इसको तकरीबन 30 सेकंड मिक्स करके इसको उतार लेंगे, ठीक है। ये देखिए कितनी झटपट तैयार हो गए हैं। आप सोचते होंगे कि मेरे ख्याल में शायद उसमें कितने मिनट लगे, 2 मिनट लगे उन्होंने। ये देखिए चावल माशाल्लाह से तैयार हो गए। ये देखिए मेथी राइस झटपट तैयार हो गए हैं। आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चावल मैंने बॉईल किए थे, आप चाहे तो रात के जो बचे हुए चावल होते हैं वो तो आप कहते हैं कि इसका क्या बनाया जाए, आप इस तरह राइस बना सकते हैं, केचप के साथ खा लीजिएगा, या अगर आपके घर में दाल है दाल के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ज़रूरी नहीं है कि बॉयल राइस के साथ, दाल के साथ बॉयल राइस ही हो, इस तरह के राइस भी बना के ट्राई कीजिएगा तो आपको बहुत एक डिफरेंट सा टेस्ट लगेगा और झटपट भी बन जाते हैं। तो हूँ मैं पंजाबी दसदा कि मैं चावल 1 कप लेसन उन्होंने मैं बॉयल कर लिया सी, उसके बाद 2 चम्मच मैं तेल पाया, जीरा पाया, नाली पानी थोड़ी देर बाद पा के ना, तो उन्होंने थोड़ा मिक्स किया मेथी पा के ते और नमक ते हल्दी पा के चावलों मिक्स किया, तो उस तो बाद हरिया मिर्चा और टमाटर, टमाटर लास्ट पाना, टमाटर फिसे ना क्योंकि टमाटर के मैं बीज निकाल दिते सन ऑलरेडी, तो उन्होंने मिक्स किया, तो उस उतार लेने, कोई दम शम का तो कोई हिसाब ही नहीं सी क्योंकि 100% चावल गले दे सन। ट्राई करके मैंने जरूर दसना थोड़ा रेसिपी कैसी लगी। अपनी दाजू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।